महान संगीतकार रोशन साहब के बड़े बेटे प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर राकेश रोशन। गुप चुप चोर चोर गोर कर दिल चोर दिल को चुरा के छुप जाए रे अरे हाय रे हाँ। गुप चुप चोर चोर गोर कर दिल चोर दिल को चुरा के छुप जाए रे अरे हाय रे। दिन को सताए मुझे रातों को जगाए मुझे ऐसे रूठे माने ना मनाए रे अरे हाय रे। राकेश रोशन साहब का जन्म 6 सितंबर सन 1949 में हुआ। चूंकि इनके वालिद रोशन खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर थे और फिल्मों में संगीत दिया करते थे, इस वजह से राकेश रोशन बचपन से ही फिल्म की दुनिया से जुड़ गए। ये बात भी गौर करने लायक है, जब राकेश रोशन साहब का जन्म हुआ था तब इनके वालदेन एक अजब मुफलिसी के दौर से गुजर रहे थे। आलम ये था, ये मुंबई के वर्सोवा इलाके के गैराज में रहा करते थे। धीरे धीरे हालात बेहतर हुए और राकेश रोशन साहब को पढ़ने के लिए सतारा सैनिक स्कूल भेज दिया गया। वहाँ से ये पहुँचे वाड़िया कॉलेज पुणे ग्रेजुएशन के लिए। अभी पढ़ाई चल ही रही थी कि इन्हें एक गहरा झटका लगा। राकेश रोशन को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी क्योंकि इनके वालिद रोशन गुजर गए थे। ये एक बहुत बड़ा फैसला लेना था राकेश रोशन को और ये पुणे से मुंबई आ गए। परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। छोटे भाई राजेश रोशन अभी वाकई बहुत छोटे थे और तब ये फैसला किया इन्होंने कि ये महान डायरेक्टर हरनाम सिंह रवेल यानी कि एचएस रवेल के असिस्टेंट बन जाएंगे। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर शुरुआत तो कर दी इन्होंने और चौथे असिस्टेंट डायरेक्टर से ये बन गए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर। पर नौजवान राकेश रोशन के मन में कसक थी कि वो एक्टर बने। एक्टिंग की कोई राह इन्हें नजर नहीं आ रही थी, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ही काम चल रहा था। और तब जुबली कुमार के नाम से मशहूर राजेंद्र कुमार साहब ने राकेश रोशन से कहा कि बेटा तुम एक्टिंग करना चाहते हो या डायरेक्शन, सही सही बताओ। तब राकेश रोशन ने कहा कि करना तो मैं एक्टिंग ही चाहता हूँ लेकिन कोई सूरत नजर नहीं आती। और राजेंद्र कुमार साहब की वजह से इन्हें मिली फिल्म घर घर की कहानी। उसके बाद उस दौर की नंबर वन हीरोइन हेमा मालिनी के साथ ये नजर आए फिल्म पराया धन में। पर एक्टिंग में बात बन नहीं रही थी। जब आता है सीटी बजाता हुआ। दीदी तुम तो जब देखो मुझे डांटती ही रहती हो। जिस तरह की ऊंचाई ये चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और तब राकेश रोशन को लगा कि सारा काम तो प्रोड्यूसर करता है, क्यों ना मैं खुद ही फिल्में प्रोड्यूस करूं, खुद ही कहानी चुनूं और फिर एक्टिंग के मैदान में कूदूं। ये प्रोड्यूसर बने और फिल्म प्रोड्यूस की आपके दीवाने। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल ना दिखा सकी। उसके बाद फिल्म काम चोर भी बनाई पर बतौर एक्टर इनकी बात बन नहीं रही थी। इनकी हीरोइंस इनसे आगे बढ़ती जा रही थीं, जैसे कि फिल्म कामचोर में इनकी हीरोइन थीं जयाप्रदा, जो कि उस वक्त बहुत नई थीं। पर राकेश रोशन दो कदम पीछे गए और जयाप्रदा का करियर आगे निकल गया। तब राकेश रोशन साहब ने सोचा कि मेन काम तो डायरेक्टर का होता है, वही तो पूरी यूनिट को संभालता है। और तब बने ये फिल्म डायरेक्टर। फिल्म डायरेक्ट की खुदगर्ज, जिसमें जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में थे। राकेश रोशन जानते थे कि अगर फिल्म खुदगर्ज नहीं चली तो इनके करियर के तीनों दरवाजे बंद हो जाएंगे। एक्टिंग में इनकी बात बनी नहीं थी, बतौर प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल नहीं हुई थी और बतौर डायरेक्टर ये पहला कदम ले रहे थे। फिल्म खुदगर्ज के पोस्टर चारों तरफ नजर आ रहे थे। ये गाड़ी में बैठे हुए थे, इनके बच्चे पिछली सीट पे और बीवी साथ में। इनकी आंखें भर आईं और इन्होंने अपनी बीवी पिंकी रोशन से कहा कि अगर खुदगर्ज नहीं चली तो मामला बिगड़ जाएगा। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। फिल्म खुदगर्ज बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा गई और राकेश रोशन की साख बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर दुनिया ने मान ली। फिर तो खून भरी मांग, काला बाजार, किशन कन्हैया, करण अर्जुन, ऐसी बड़ी अनोखी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की। राकेश रोशन बतौर डायरेक्टर मकबूलियत हासिल कर चुके थे, पर इनके सामने एक नई चुनौती आई। चुनौती आई अपने बेटे ऋतिक रोशन को लॉन्च करने की। राकेश रोशन के मन में ये बात चल रही थी कि ये खुद का एक्टिंग करियर तो बना नहीं सके। अगर फिल्म कहो ना प्यार है पिट गई तो ये बात भी इन पर ही आएगी कि अपना छोड़ अपने बेटे का करियर भी ये ना बना सके। जी जान लगा के फिल्म बनाई गई, संगीत भी खूब मकबूल हुआ और अभिनय भी, और फिल्म कहो ना प्यार है ने दिया फिल्म इंडस्ट्री को एक नया सुपरस्टार।
ऋतिक रोशन। थैंक यू फॉर गिविंग माय इंडस्ट्री एंड माय पीपल सच अ मैग्निफिसेंट प्लेटफॉर्म। राकेश रोशन साहब के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनकी शादी हुई पिंकी रोशन से, जो कि मशहूर और मारूफ प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश की बेटी हैं। इनके छोटे भाई राजेश रोशन खुद एक बड़े मकबूल संगीतकार बने। बेटा ऋतिक रोशन और बेटी सुनैना रोशन। अपने बेटे के डिवोर्स से इनका दिल टूट गया। इन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया और खास तौर पे सन 2006 में ग्लोबल इंडिया फिल्म अवार्ड इन्हें दिया गया। राकेश रोशन उन शख्सियतों में से हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी बारीकी से देखा है, बतौर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।